हेलो फ्रेंड्स, तो आप लोग कैसे हैं? आई होप बहुत अच्छे होंगे आप लोग। तो चलिए, इस वीडियो में हम ये बताने वाले हैं इस पट्टी का डिज़ाइन कैसे बनाना है हमें। बहुत ही इजी तरीका है बनाने का, तो चलिए बनाना बताते हैं। तो इस पट्टी की डिज़ाइन बनाने के लिए हमने यहाँ पे तीन कलर की ऊन लिए हैं, वाइट, ग्रीन और रेड। वाइट ऊन ले लिए हैं, इसमें हमें चैन देना है, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह, तेरह, चौदह, पंद्रह, सोलह। यहाँ पे हमने सोलह चैन ले लिए हैं। हमें इसमें फंदे डालनी हैं, सोलह फंदे डालनी हैं, एक, दो, तीन, चार, पांच, छः, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह, तेरह, चौदह, पंद्रह, सोलह। यहाँ पे हमने सोलह फंदे दे दिए। अब यहाँ से ऊल को घुमा लेंगे। यहाँ पे हम चैन दे देंगे, एक, दो, तीन, तीन चैन देकर फंदे डाल देंगे इस वाले चेन में, एक, दूसरे वाले चेन में फंदे डालेंगे, दो, तीन, चार, पांच, छः। यहाँ पे हम चैन डाल देंगे, एक, दो, तीन, तीन चैन डाल देंगे और यहाँ से छः फंदे ले लेंगे। फिर से देखिए, यहाँ एक, दो, तीन, चार, यहाँ पे हम चौथे लाइन से स्टार्ट करेंगे बनाना, एक, दो, तीन, चार, पांच, छः, अब हम पट्टी को पलट लेंगे, पलट कर और जैसे ये वाली डिज़ाइन बनाए हैं वैसे दोबारा हम बनाएंगे। यहाँ चैन दे देंगे, एक, दो, तीन, हम शुरू में चैन इसलिए देते हैं कि पट्टी बड़ा ना हो। यहाँ पे देखिए, तीन चैन देकर फंदे ले लेंगे, एक, दो, तीन,
चार, पांच, छः। यहाँ पे तीन चैन लेना है, एक दो तीन फंदे डालनी है यहाँ पे, एक दो तीन चार पांच छः यहाँ पे सेम ही डिजाइन बनाएंगे। जितनी बड़ी हमें पट्टी बनाना है उतना बड़ा हम इसे बना लेंगे। अब हम इसके आगे का डिजाइन बताते हैं कैसे बनाना है। यहाँ पे हम ये हरा वाला ऊन लेंगे और ये पट्टी के जो बीच वाली लाइनें हैं इसमें हम ऊन को बांध देंगे। यहाँ पे हम ऊन बांध लेंगे, चैन दे देंगे, एक दो तीन, तीन चैन दे देंगे और यहाँ से फंदे ले लेंगे, एक दो तीन चार पांच। छः यहाँ पे देखिए हम छः फंदा ले लिए हैं। अब इसे हमें एक एक करके बाहर की तरफ निकाल देना है। चैन लेंगे, एक फंदा लेंगे यहाँ से और इसे बांध देंगे, फिर से एक फंदा लेंगे और इसे बांध देंगे, फिर से एक फंदे लेंगे यहाँ से बांध लेंगे इस तरीके से, फंदे लेंगे बांध देंगे। हमें क्रोशिया को इससे निकालनी नहीं ऊन के बाहर, क्रोशिया को हम ऊन से बाहर नहीं निकालेंगे और इसे बांधते जाएंगे एक एक फंदा लेकर। यहाँ पे हम फंदे लिए और यहाँ ऊपर से बांध दिए, फिर से हम यहाँ से फंदे लेंगे बांध देंगे, यहाँ से एक फंदा लेंगे यहाँ पे बांध देंगे, इसे एक फंदा लिए बांध दिए, एक फंदा लिए बांध दिए और लास्ट वाले एक फंदा है एक चैन है हम उसे एक साथ बांध देंगे। देखिए अब यहाँ पे हमें इतनी बड़ी फंदा लेनी है इस तरीके से और आगे की साइड से हमें इस वाले फंदे से ऊल को निकाल लेना है, एक फंदा ले लेना है। यहाँ पे एक फंदे ले लिए, अब दूसरी ऊल से हमें एक और फंदा ले लेना है। हम इसे ऐसे लपेटेंगे नहीं, सिर्फ यहाँ से फंदे ले लेंगे। देखिए ये अलग है और ये ऊल अलग है। हम यहाँ से फंदे ले लेंगे इस तरीके से, यहाँ से यहाँ तक हम फंदे ले लेंगे। देखिए तो हम इसकी पूरी लाइन
इसी तरीके से बना लेंगे, फंदे ले लेंगे। यहाँ पे ये फंदे ले लेंगे हम यहाँ से। देखिए हमें एक भी उल को नहीं छोड़ना है, सभी उल से फंदे ले लेनी है। तो यहाँ पे हम फंदे ले लिए हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, यहाँ पे हमने 14 फंदे को ले लिए हैं। अब हमें इसे बांधना है, जैसे हम नीचे वाले बांधे थे वैसे ऊपर हमें बांधना है, इस तरीके से। देखिए एक एक फंदे हमें इस तरीके से एक साथ निकाल लेना है। यहाँ पे हम उनको बांधे और यहाँ से एक फंदा लिए, फिर से उनको बांधेंगे, एक फंदा लेंगे, ऊन को बांधेंगे और एक फंदा लेंगे, निकल जाएगा यहाँ से। यहाँ से फिर से हम फंदे लेंगे, यहाँ से बांध देंगे चैन देकर और यहाँ से एक फंदे ले लेंगे। यहाँ से फंदे लेंगे और यहाँ से एक फंदे लेंगे, यहाँ से बांधेंगे और यहाँ से फंदे लेंगे, यहाँ से बांध लेंगे, यहाँ से फंदे लेंगे। इसी तरीके से हम पूरी लाइन को लगा लिए। देखिए अब इसे हम चैन देकर बांध लेंगे। यहाँ पे हम लाल वाली ऊन ले लेंगे और इसे बांध लेंगे, यहाँ पे चैन दे देंगे, 1, 2, 3, तीन चैन देकर और यहाँ पे फंदे लेनी है। यहाँ से हमें जो हरी वाली डिजाइन है यहाँ से हम एक फंदे ले लेंगे, 1, 2, 3, यहाँ हम इसे बांध लेंगे। बांध कर अब ये ऊन को हम लपेटेंगे नहीं क्रोशिया में, यहाँ नीचे से फिर से फंदे ले लेंगे, 1, 2, 3 बांध लेंगे इसे। यहाँ पे बांध कर और ये जो बचा हुआ ऊन है ऊपर का इस साइड में कर लेंगे। फिर से यहाँ से फंदे लेंगे और ये वाली ऊन इसके बीच में आ जाएगा, काटना नहीं हमें। यहाँ से हम फंदे ले लेंगे, 1, 2, 3 बांध लेंगे इसे। फंदे लेंगे, 1, 2, 3 बांध लेंगे, फंदे लेंगे, 1, 2, 3 और बांध लेंगे। बांध कर हम और ये वाली जो ऊन है इस साइड में कर लेंगे। फिर से दूसरा फंदा लेंगे, 1, 2, 3 बांध लेंगे इसे। साइड में कर लेंगे इधर। यहाँ पे हम फिर से यहाँ से फंदे लेंगे, 1, 2, 3 और इस साइड का इधर ही रहेगा
और इधर का हम बांध लेंगे और इस साइड कर लेंगे। फिर से तीन फंदे लेंगे यहाँ से आगे वाले ऊन से, एक दो तीन, और इधर की साइड बांध लेंगे आगे वाला गुल्ली को बांध लेंगे और ये वाली ऊन को इधर कर लेंगे। फिर से यहाँ पे हमें क्रोशिया लेनी है, एक दो तीन बांध लेना है। बांध कर फिर से हम यहाँ से ये लाल वाली गुल्ली बनाएंगे, एक दो तीन बांध लेंगे इसे। एक और गुल्ली लेंगे, एक दो तीन, और यहाँ पे हम बांध लेंगे। अब हमें कुछ नहीं करना है, बस ये वाली जो डिजाइन है इसे इस तरीके से पलट लेना है, देखिए, और हमें यहाँ से बांध लेना है। यहाँ पे हम इसे इस तरीके से बांध लेंगे। बांध कर और यहाँ से एक दो तीन, इस तीसरी लाइन में हमें इसे बांध देना है। इस तरीके से बांध कर हम और इसे छोड़ देंगे और हरी वाली ऊन को ले लेंगे और यहाँ बांध देंगे इसे, एक दो तीन, तीन चैन डाल देंगे। यहाँ पे हम इस डिजाइन को बना लिए हैं और सेम ऐसा ही डिजाइन हमें आगे बनाना है, तो हम बनाते हैं। चलिए यहाँ पे हम तीन चैन लिए हैं लाल वाला ऊन में, और देखिए यहाँ पे जो हम बांधे थे इस डिजाइन को, इसके अंदर से हमें और इस चैन के अंदर से फंदे लेनी है हरा वाला ऊन का, देखिए, एक दो तीन चार पाँच छः, यहाँ पे हम छः फंदे ले लिए। जैसे हम नीचे वाले डिजाइन को बनाए थे वैसे ऊपर वाला को बनाएंगे, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ। अब हमें यहाँ इतनी बड़ी फंदे लेनी है और इस पूरे ऊन की लाइन से फंदे निकाल लेना है एक एक यहाँ पे। देखिए इस तरीके से हमें पूरी फंदे
ले लेनी है। और यहाँ पे हम एक और ले लेंगे, इसे बांधना है हमें। देखिए एक एक फंदे लेकर हमें बांध देना है। इस तरीके से हम पूरी लाइन लगा लेंगे यहाँ से यहाँ तक। देखिए अब हमें यहाँ से इसको छोड़ देना है, लाल वाला को ले लेना है। यहाँ पे हम लाल वाला बांध लेंगे, फंदे ले लेंगे, यहाँ से एक दो तीन बांध लेंगे, फंदे लेंगे यहाँ से एक दो तीन बांध लेंगे। फंदे लेंगे यहाँ से एक दो तीन। देखिए इसकी हम डिजाइन बनाकर बताते हैं। तो हम जैसे इस दोनों डिजाइन को बनाए हैं वैसे ही हमें पूरी पट्टी में बनानी है। तो ये इस तरीके की डिजाइन बनकर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। बहुत ही प्यारा सा डिजाइन है देखिए। और इस पे हम गेट पर्दा बना सकते हैं, प्यारा सा पैटर्न है।